जय हिंद। मैं राकेश सौ पीएससी अकेडमी से। आज हम पार्टनरशिप साझेदारी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप थ्री। मान लीजिए प्रश्न है, राम वा मोहन ने क्रमशः 60,000 रुपए व 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। राम और मोहन ने क्रमशः 60,000 रुपए व 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किया 40,000 रुपए और निवेश किया या और लगाया और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद मोहन ने 20,000 रुपए वापस ले लिया। वर्ष के अंत में उन्हें 93,000 रुपए का लाभ हुआ। एक वर्ष के अंत में उन्हें 93,000 रुपए का लाभ हुआ। उनके लाभ क्या होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न क्या लिखा है। राम व मोहन क्रमशः 60,000 रुपए व 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। राम और मोहन ने क्रमशः 60,000 रुपए व 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद मोहन ने 20,000 रुपए वापस ले लिया। एक वर्ष के अंत में उन्हें 93,000 रुपए का लाभ हुआ। उनके लाभ क्या होंगे, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, राम ने सबसे पहले 60,000 रुपए लगाया था। यहां पर राम के द्वारा 60,000 रुपए लगाया गया। यहां पर कुल अवधि दिया गया है 1 वर्ष, अर्थात 12 माह। यदि सिर्फ राम की बात करते हैं तो यहां पर 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किया, अर्थात 6 महीने तक उसने 60,000 रुपए लगाया। 6 महीने के बाद जब 40,000 रुपए और लगा देगा तो 60,000 + 40,000 अगले 6 महीने के लिए इसके पास 60,000 + 40,000 अर्थात 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर देयरफोर राम का लाभ अनुपात
मोहन का लाभ बराबर। सबसे पहले राम के बारे में बात करते हैं। राम ने सबसे पहले 60,000 रुपए लगाया, 6 माह बाद उसने 40,000 रुपए और लगाया, अर्थात ये 60,000 रुपए 6 माह के लिए लगा हुआ था। 40,000 रुपए जब और लगाया जाएगा राम के द्वारा, तो पहले से उसके द्वारा 60,000 लगाया गया है, अब 40,000 और लगाया जा रहा है, तो 60,000 में 40,000 रुपए जुड़ जाएगा। एक वर्ष तक यह रकम लगा हुआ है, अर्थात यह अगले 6 महीने तक लगा रहेगा। अनुपात ध्यान दीजिएगा, मोहन का लाभ देखते देखिएगा, मोहन ने शुरू में 80,000 रुपए लगाया है, मोहन ने कुल 80,000 रुपए लगाया है, 9 माह बाद मोहन ने 20,000 रुपए वापस ले लिया, अर्थात 80,000 रुपए 9 महीने तक रहा प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मोहन ने अपने 80,000 में से 20,000 रुपए वापस ले लिया, इसका मतलब यह है कि 80,000 में से उसने 20,000 रुपए वापस ले लिया, तो यहां पर 9 महीने तक 80,000 रुपए लगा रहा, अगले 12 माह के लिए बचेगा सिर्फ 3 माह, तो अगले 3 माह में यह रहेगा 60,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहां पर यह आ रहा है 60,000, यहां पर यह आएगा आपका 60,000, इसे मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, यहां पर हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6×6=36, 40 प्लस यहां पर आएगा, यहां पर कुल आएगा 1,00,000, अर्थात 1 और यहां पर 50 आ जाएगा, × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 1, 2, 3, 4, 5 ध्यान दीजिएगा, 6,00,000। अनुपात, अनुपात यहां देखते हैं 9×8=72, 9×8=72, 40 प्लस ध्यान दीजिएगा यह आएगा 60,000, 80,000 में से 20,000 जाएगा 60,000, अर्थात 6×4=60,000, 6×3=18, 40 इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा ये 40 यहां से 40 एज इट इज 40 रखिए, यहां पर ये 40 ये 40 ये 0 और ये 6, 6, 6 और 3, 9 अनुपात यहां पर आएगा, अनुपात ध्यान दीजिएगा ये 40 ये 40 एज इट इज लिखिए, यहां पर 8 और 2, 10 का 0 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 8 और 1, 9 ध्यान दीजिएगा, यहां पर 40 से 40 कैंसल, यहां पर हम काटेंगे 3 से काटेंगे 3×9, 3×2=6, 3×3=9, 0 यहां पर 2 से काट सकते हैं 2×1=2, 2×6=12 2 से आएगा ये 15 तो यहां पर अनुपात आ रहा है 16:15, 16:15 तो यहां पर राम का लाभ और मोहन के लाभ में अनुपात है 16:15 तो देयरफोर अनुपाती, अनुपाती योग बराबर होगा 16+15 अर्थात 31 तो देयरफोर राम का लाभ बराबर होगा, राम के लिए अनुपात है 16 तो 16/31 इंटू यहां पर वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है 93,000 तो यहां पर 31 से 3 बार कटेगा 93,000 तो यह हो जाएगा 3,000 बराबर 16 × 16, 16×32=48 तो यह आ जाएगा 48,000 रुपए अर्थात राम का लाभ होगा 48,000 रुपए देयरफोर मोहन का लाभ बराबर ये होगा 15/31×93,000 तो ये तो कटेगा तो ये अल्टीमेटली 3,000 आएगा तो ये आ जाएगा 15×3=45 45,000
रुपए। तो यहां पर राम का लाभ होगा 48,000 रुपए, मोहन का लाभ होगा 45,000 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है ए बी व सी ने क्रमशः 25,000 रुपए 25,000 रुपए 40,000 रुपए व 30,000 रुपए 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया चार माह बाद ए ने 15,000 रुपए 4 माह बाद ए ने 15,000 रुपए और निवेश किया 4 माह बाद ए ने 15,000 रुपए और निवेश किया। 6 माह बाद बी ने 10,000 रुपए वापस निकाल लिया। 8 माह बाद ध्यान दीजिएगा, 8 माह बाद सी ने 20,000 रुपए और निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उन्हें 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ। उनके लाभ क्या होंगे अर्थात ए बी व सी को क्या लाभ प्राप्त हुआ, यह हमें फाइंड आउट करना है। इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा हुआ है ए बी व सी ने क्रमशः 25,000 रुपए 40,000 रुपए 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का प्रारंभ किया। 4 माह बाद ए ने 15,000 रुपए और निवेश किया। 6 माह बाद बी ने 10,000 रुपए वापस निकाल लिया। 8 माह बाद सी ने 20,000 रुपए और निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में उन्हें 1,28,000 रुपए का लाभ हुआ, तो उनके लाभ क्या होंगे, यह हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे देयरफोर ए का लाभ अनुपात बी का लाभ अनुपात सी का लाभ बराबर। सबसे पहले ए को देखते हैं। ए ने शुरू में 25,000 रुपए लगाया। 4 माह बाद ए ने
15,000 रुपए और लगाया। तो नोटिस कीजिए, कुल एक वर्ष की अवधि तक व्यापार किया गया है, एक वर्ष अर्थात 12 माह तक व्यापार किया गया है। तो ए ने शुरू में 25,000 रुपए लगाया, 4 माह बाद उसने 15,000 रुपए और लगाया। तो नोटिस कीजिए, 25,000 रुपए लगाया गया ए के द्वारा, 4 माह बाद अर्थात 4 महीने तक ए के द्वारा 25,000 रुपए लगाया गया, 4 माह बाद उसके द्वारा 15,000 रुपए और जोड़ा गया। तो यहां पर प्लस, पहले से ए का था 25,000 रुपए, 15,000 रुपए और लगाया गया। इसका मतलब यह है कि एक वर्ष 12 माह में से 4 माह तक उसके लगे हुए थे 25,000, अगले 8 माह के लिए 15,000 रुपए और जुड़ गए। तो 25,000 प्लस 15,000 अगले 8 माह के लिए लगाए गए। अनुपात बी का देखते हैं। बी ने शुरू में लगाया है 40,000 रुपए, बी ने शुरू में लगाया है 40,000 रुपए, 6 माह बाद बी ने 10,000 रुपए निकाल लिए, अर्थात 6 माह तक उसके लगे थे 40,000 रुपए, प्लस उसने 40,000 में से 10,000 निकाल लिए, 40,000 रुपए में से 10,000 रुपए उसने निकाल लिए। तो यहां पर 6 माह तक 40,000 रुपए लगे, अगले 6 माह तक 30,000 रुपए लगे हुए हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। अनुपात सी के लिए देखते हैं। सी ने प्रारंभ में 30,000 रुपए लगाया था, सी ने प्रारंभ में 30,000 रुपए लगाया था, 8 माह बाद सी ने 20,000 रुपए और निवेश किया, अर्थात 8 महीने तक उसके 30,000 रुपए लगे थे। शुरू में सी के 30,000 रुपए लगे थे, 8 माह बाद उसने 20,000 रुपए और लगा दिया। इसका मतलब यह है कि 8 महीने तक 30,000 बचेंगे, 4 महीने, नेक्स्ट 4 महीने तक 30,000 प्लस 20,000 रुपए उसके निवेश हुए। ध्यानिएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं बराबर, बराबर का चिन्ह। ध्यानिएगा, यहां पर 25,000 इंटू 4 करेंगे तो 25 चौक 100, और ऑलरेडी यहां पर 3 जीरो है, 1, 2, 3 प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस, यहां पर 25 और 15, 5 और 5 10 का जीरो हासिल आया 1, 25 और 15 हो जाएगा 40, तो 40 इंटू 8, 40 ऑलरेडी 3 जीरो है, इंटू 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और यहां पर 4 जीरो। अनुपात ध्यान दीजिएगा, अनुपात यहां पर 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 जीरो प्लस, ये घटेगा तो यह होगा 30,000, यहां पर 4 जीरो, ध्यान दीजिएगा, इंटू है 6, 6 3 18, 4 जीरो, ध्यान दीजिएगा, यहां आएगा 30,000, 6 3 18, 1,80,000। अनुपात यहां पर 8 3 24, यहां 4 जीरो, 1, 2, 3, 4 प्लस, यहां आएगा, ये आ जाएगा 50,000, 4 जीरो इंटू 4 है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 4 जीरो ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इसे हम जोड़ते हैं बराबर, ध्यान दीजिएगा बराबर, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो एज इट इज, ये आ जाएगा आपका 2 और ये 0, 2, 3 और 1, 4, 4,20,000 अनुपात, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो एज इट इज। यहां पर 8 4 12 का 2 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 4। अनुपात ये 4 जीरो, ये 4 जीरो एज इट इज, यहां पर ये 0 और ये 4, 4, 2 और 2, 4, ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो कैंसल, यहां पर 2 से काटेंगे, 2 दुनी 4 2 एकम 2, 2 दुनी 4 2 एकम 2, 2 दुनी 4 2 दुनी 4, तो ये अनुपात यहां पर आ रहा है 21 अनुपात 22 के, ध्यान दीजिएगा। तो देयरफॉर हम लिखेंगे अनुपाती
योग, अनुपाती योग बराबर होगा 21 + 21 + 22, 2 3 4, यहां पर 2 2 2, ये आएगा 64, ध्यान दीजिएगा। तो therefore हम लिखेंगे A का लाभ, A के लिए अनुपात है 21, तो 21/64 इंटू एक वर्ष के अंत में लाभ है 1,28,000, 1,28,000, ध्यान दीजिएगा। यहां पर काटेंगे 64 दूनी होगा 128, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64 दूनी, तो यह आ जाएगा 2000 बराबर 41 दूनी 42, 3 0, तो यह आ जाएगा 42,000 रुपए। तो ए का लाभ होगा 42,000 रुपए। इसी प्रकार से बी का लाभ बराबर, बी के लिए अनुपात है 21, इसके लिए भी सेम आएगा 21/64 इंटू 1,28,000, बिल्कुल सेम आएगा 42,000 रुपए। बी का लाभ भी होगा 42,000 रुपए। सी का लाभ बराबर ये होगा 22/64 इंटू 1,28,000, ये तो कट के आएगा अल्टीमेटली 2000, तो 22 दूनी 44, यह आ जाएगा आपका सी का लाभ 44,000 रुपए। सी का लाभ होगा 44,000 रुपए, और यही तीनों हैं अभिष्ट आंसर। ए का लाभ 42,000 रुपए, बी का लाभ 42,000 रुपए, और सी का लाभ है 44,000 रुपए।